झारखंड में चुनावी सुगबुगाहट के साथ राजनीतिक दलों की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। हर दल मिशन 2019 को साधने में जुटा है। कांग्रेस ने इस विधानसभा अपनी नई टीम उतारी है। नई टीम के कप्तान रामेश्वर उरांव पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज रांची पार्टी दफ्तर में कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, जहां चुनाव से पहले रामेश्वर जिलों में पार्टी की स्थिति पर फीडबैक लेंगे, तो वहीं सोनिया गांधी के निर्देश के मुताबिक सूबे में रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव तमाम जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। बताएं आपको कि कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे इस दौरान और उनसे फीडबैक भी ली जाएगी। जो जन समस्याएं हैं, जन मुद्दे हैं, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव। और इसी सिलसिले में उन्होंने जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। और सीधा रुख करेंगे कांग्रेस भवन का, जहां पर सहयोगी विपिन उपाध्याय मौजूद है। विपिन, कांग्रेस पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रही है, जिस तरीके से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की नियुक्ति हुई है, इनके प्रतिनिधित्व में अब ये चुनाव लड़ा जाना है विधानसभा का। सोनिया गांधी से मुलाकात के वक्त ही ये साफ हो गया था कि जन मुद्दे और जन समस्याएं समझने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बैठक आहूत की गई है जिला अध्यक्षों की डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ, जिसमें जो 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो अग्रिम मोर्चा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी भी इस बैठक में रहेगी सभी जिला अध्यक्षों के साथ। आने वाले समय में जो बचा हुआ वक्त है विधानसभा के चुनाव से पहले, उसमें किस तरह से बेहतर तालमेल बनाकर जो जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर जिस तरह से वो बेहतर परिणाम का दावा कांग्रेस कर रही है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नए अध्यक्ष के तौर पर प्रभार ग्रहण करने के बाद लगातार रामेश्वर उरांव सक्रिय नजर आ रहे हैं। कल गिरिडीह का भी दौरा उनका हुआ था और आज जिला अध्यक्षों के साथ रायशुमारी एक तरह से हम कहें तो होगी, जिसमें की चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, धारदार बनाया जाए और जिसके बदौलत विधानसभा के चुनाव में पार्टी जो है मजबूती से उतर सके। तो इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी, इन जिलों में जो जिन मुद्दों के आधार पर पार्टी को वहां पर लड़ाई लड़नी है राज्य सरकार के खिलाफ, या फिर जो मुद्दे चुनाव में कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, इन तमाम मसलों पर आज जिला अध्यक्षों के साथ साथ जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, उनके साथ डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ठीक आज से एक सप्ताह पहले, वो यहाँ पर कांग्रेस भवन में आहूत बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंतरकला चल रही थी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है रामेश्वर उरांव को। उस वक्त ये जिम्मेदारी मिली जब कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है कांग्रेस में, तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना है रामेश्वर उरांव का, तो उसे लेकर उनका क्या कहना है? देखिए, अब से कुछ देर के बाद बैठक आरंभ होगी और उस बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा तो होगी ही होगी, लेकिन अभी जिस हालात से झारखंड में कांग्रेस गुजर रही है उसे हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इससे बुरी कभी संगठन की स्थिति नहीं रही थी। और अब नया नेतृत्व आया है 5 कार्यकारी अध्यक्ष देकर, केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरह से जो खेमाबंदी थी कांग्रेस की, जो गुटबाजी थी, उसमें लगाम लगाने की कोशिश की है और साथ ही साथ एक टास्क दिया है कि बचे हुए समय में राज्य में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें सभी लोगों को एकजुट करते हुए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाना है। और साथ ही साथ एक निर्देश यह भी वहां से जारी हुआ है कि अब अगर पार्टी में किसी तरह की अनुशासनहीनता होगी तो उसे किसी कीमत पर पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हाल के दिनों में जो पहले फैसले रहे थे, जिस तरह से कुछ लोगों का निष्कासन हुआ था, उसके बाद 2 दिन पहले ही रामेश्वर उरांव ने जो बयान दिया था कि अनुशासन समिति जो पार्टी की है उसमें तमाम मामलों को भेजा जाएगा समीक्षा के उपरांत, अगर लगेगा तो जो निष्कासित नेता है उनका निष्कासन भी पार्टी वापस ले सकती है, तो सबको साथ लेकर चलने का एक संकेत कर रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो अभी है वो विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि बीते इसी साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आशा के अनुरूप कांग्रेस के पक्ष में परिणाम नहीं आया था। और इस लिहाजा से जब दिल्ली में तमाम नेताओं की मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से, तो उस वक्त भी ये निर्देश दिया गया था कि जनहित के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे और एक कलेक्टिव एफर्ट यहां पर लगाया जा सके, जिससे मजबूती के साथ कांग्रेस अपनी खोई जमीन को हासिल कर सके। जमीन तलाशने में जरूर जुटी हुई है। कैसा जोश देखने को मिल रहा है? नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रामेश्वर उरांव, 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, तो क्या लगता है कि कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में? जी देखिए, एक नई शुरुआत यहां से कांग्रेस को करनी होगी। जो तमाम चीजें थी, इस तरह की
हाल के दिनों में सुर्खियों में जिस वजह से कांग्रेस रही थी वो थी गुटबाजी और आपसी अंतर कलह के वजह से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। तो इन तमाम विवादों को थामने का एक प्रयास है और आज की बैठक भी काफी अहम है क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जिला अध्यक्षों के साथ डॉक्टर रामेश्वर उरांव और उनकी टीम बैठेगी। तो इस बैठक में कई तरह की चीजें सामने आ सकती है क्योंकि पिछली बार जब जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी तो उसमें गठबंधन को लेकर जिला अध्यक्षों ने ये सुझाव दिया था तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को कि सिर्फ गठबंधन जो है वो जेएमएम और वाम दलों के साथ हो। तो इन तमाम मसलों पर चाहे गठबंधन की बात हो, संगठन की बात हो या फिर आने वाले समय में जो कार्यक्रम पार्टी के द्वारा चलाए जाने हैं उसकी बात करें तो तमाम चीजों पर आज समीक्षा होगी। सबको एक साथ लेकर चलने का जो संकेत लगातार नए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया जा रहा है तो आज जिला अध्यक्षों को भी कई टास्क दिया जा सकता है कि कम जो समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर उसमें तेजी के साथ संगठन का विस्तार करें और साथ ही साथ जनहित के मुद्दों पर सड़क पर उतरे जिससे जनता को सुनने के काम कर रही थी। ऐसे कई दिशा निर्देश जो है इस बैठक में आज दिए जा सकते हैं। चलिए तो अब देखना यह है कि क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अब बेहद जरूरी हो गया है विपिन कि अगर ये अपनी जमीन पर बरकरार रखना है तो एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उतरना होगा। जी बिल्कुल राजदा है, इस वक्त हम बात करते हैं, हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के कुछ कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये जो बैठक है इसके बाद किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी क्योंकि इन लोगों को जो नई जवाबदेही दी गई है उससे स्पष्ट होता है कि युवाओं के साथ साथ जो अनुभवी लोग हैं उनको भी इस बार कमेटी में जगह दी गई है और पहली बार 5 की संख्या में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस लिहाज से आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में क्या कुछ टास्क दिया जाएगा इसके लिए हम जुड़ते हैं झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष हैं मानस सिन्हा, उनके साथ। मानस जी, आप लोगों की नई टीम बनने के बाद आज ये पहली बैठक आहूत की गई है, क्या कुछ एजेंडा होगा इस बैठक? देखिए, आपको ये मालूम है कि चुनाव का वर्ष है और मात्र 2 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, तो हम सब जिलाध्यक्षों को बुलाया है कि कैसे हम लोग काम करें, संगठन को पंचायत और बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करें, उसी वही सिंगल एजेंडा है कि चुनाव कैसे जीतना है और यहाँ पर झारखंड के मैक्सिमम से मैक्सिमम विधायक जिता के लाने। माने जी, जो कम समय है क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो आप लोगों को लगता है कि इस कम समय में पूरा तालमेल बैठा कर आप लोग वापसी की ओर बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आप देखिए तालमेल तो ये लीडरशिप को डिसाइड करना है, हमारा काम है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम है कि हम बूथ लेवल तक कांग्रेस के वर्कर को एनर्जाइज कर दें, उनको काम बताएं कि किस तरह संगठन का काम करना है और सिर्फ एक एजेंडा है कि चुनाव किसी भी हालत में यहां पर बीजेपी को खत्म करना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी। माने जी, इतना तो तय हो गया कि अब रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दौरा हुआ, जिन बातों की ओर उन्होंने इशारा किया और जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री भी लगातार चुनावी तैयारी में जुटे हैं, क्या लगता है कि अब आप लोग उनको चेस कर पाएंगे? अब उनका अपना स्ट्रेटजी होगा, हमारा अपना स्ट्रेटजी है। अभी आपने देखा कि किस तरह से करोड़ों रुपया का नहर 12 घंटा के अंदर बह गया, तो जनता सब देख रही है और ये तो चुनाव में पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ये थे राजदा झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा, जिन्होंने बताया कि एक लक्ष्य को लेकर पार्टी आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है कि किस तरह से इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके और संगठन को मजबूत करके जनहित के मुद्दों पर सड़क पर उतरा जा सके।